Hello students, hoping that you are all fit and fine. So today we are now going to continue with the chapter of laws of motion. Till the previous video we have discussed about the Newton's first law of motion. और पिछली वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो सिर्फ एक क्वालिटेटिव लॉ ही है, उससे हमें कोई भी क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो वो नहीं मिलती। तो अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस हमारे जो ये वाला लॉ है, इस लॉ से हमें कुछ क्वांटिटीज के बारे में पता लगना शुरू होगा। ऑलराइट, दिस विल रिप्रेजेंट वन ऑफ द क्वांटिटी और द अदर। अच्छा, न्यूटन का सेकेंड लॉ समझने से पहले हमें एक फिजिकल क्वांटिटी समझनी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट क्वांटिटी इज लीनियर मोमेंटम। दैट क्वांटिटी इज लीनियर मोमेंटम। अच्छा, इसको समझने से पहले हम दो एग्जांपल्स लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हाउ वी रीच अप टू दिस न्यू क्वांटिटी एज लीनियर मोमेंटम। अब सपोज करो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज मास एम, दिस इज मास कैपिटल एम इन सच अ वे दैट कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये छोटा मास सेम वेलोसिटी से, बड़ा मास सेम वेलोसिटी से, और ये कंडीशन है कि ये वाला मास बड़ा है। अब कोई पर्सन इधर से इन दोनों को चाहता है कि एक ही टाइम पे मैं दोनों को रोक दूं, एक ही टाइम पे मैं दोनों को स्टॉप कर दूं। तो इसको रोकने के लिए मुझे कम फोर्स चाहिए और इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स, ऑब्वियसली क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको उतने ही टाइम में रोकने में जितने टाइम में मैं इसको रोक रहा हूं। एक तरफ से साइकिल आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एक तरफ से कार आ रही है, मैंने दोनों को एक ही टाइम पे रोकना है, तो ऑब्वियसली जो कार वाली साइड है उस पर मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और साइकिल वाले पे कम। सो इट मींस एक क्वांटिटी ऐसी है जो मास पे डिपेंड कर रही, क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, तो यानी एक क्वांटिटी है जो हमारी किस पे डिपेंड कर रही, मास। सो दिस इज अबाउट अ क्वांटिटी विच इज मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है लेकिन मास दोनों का अलग अलग है, इसकी वजह से इस मास को रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी। ठीक है, अब वो कह रहे कि मेरे पास दो आइडेंटिकल मासेस हैं, आइडेंटिकल मासेस, इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, इन सच अ वे दैट v2 इज ग्रेटर देन v1, v2 इज ग्रेटर देन v1। अब भी कंडीशन वही है, मुझे एक ही टाइम पे इन दोनों को रोकना है, ये कम स्पीड से आ रही, ये ज्यादा स्पीड से आ रही, ऑब्वियसली जिसकी स्पीड ज्यादा होगी मुझे ज्यादा फोर्स लगा के उसको रोकना पड़ेगा, जिसकी ज्यादा स्पीड उसको अब मुझे ज्यादा फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा। अब सपोज करो दो साइकिल ही आ रहे हैं आपके पास, एक 10 मीटर से एक 50 मीटर से, कौन जल्द एक ही टाइम में हमें दोनों साइकिल्स को रोकना है, तो जिसके पास तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगा के उस वाले बाइसाइकिल को रोकना पड़ेगा, और जिसकी वेलोसिटी कम है उसको कम फोर्स लगा के। यानी कि वही क्वांटिटी जो पहले मास पे डिपेंड कर रही थी, अब मास तो सेम है, अब किस पे डिपेंड करना शुरू किया उसने, वेलोसिटी पे। यानी वही क्वांटिटी अब किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी। दैट क्वांटिटी इज नाउ वेलोसिटी डिपेंडेंट। अब वो क्वांटिटी जो है हमारे पास वो क्या है, दैट इज वेलोसिटी डिपेंडेंट। अब सोचो दो अलग अलग मासेस सेम वेलोसिटी, मास डिपेंडेंट है, दो सेम मासेस डिफरेंट वेलोसिटीज, तो वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। यानी वही क्वांटिटी जो पहले मास पे डिपेंड कर रही थी अब वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, और उस क्वांटिटी का नाम क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम एक क्वांटिटी है जिसमें हम मास और वेलोसिटी को इकट्ठा कर देते हैं और हम उसको इकट्ठे तरीके से पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें वेलोसिटी सेम लेनी पड़ेगी, इसमें क्या है हमें मास सेम लेना पड़ेगा, हमने क्या किया मास और वेलोसिटी को इकट्ठा करके एक नई क्वांटिटी दे दी विच इज लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अब लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं विद अ लेटर स्मॉल पी, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है,
अभी हमने देखा कि वही क्वांटिटी दैट इज लीनियर मोमेंटम मास पर भी डिपेंड कर रही, वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रही, तो वो जो क्वांटिटी है मेरे पास p, विच इज लीनियर मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम के अगर हमें एसआई यूनिट्स देखने हैं, मोमेंटम के अगर हमें एसआई यूनिट्स देखने हैं, तो मास के एसआई यूनिट्स क्या है? केजी. वेलोसिटी के एसआई यूनिट्स मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम के एसआई यूनिट्स क्या आ गए? केजी मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम के एसआई यूनिट्स क्या आ गए? केजी मीटर्स पर सेकेंड. ऑलराइट. और अगर हमें इसके डिस्कस करने हैं सीजीएस यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स आ जाएंगे, मास विल बी टेकन इन ग्राम, वेलोसिटी विल बी इन सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. तो ये हमारे पास आ गए इसके यूनिट्स इन सीजीएस सिस्टम. ऑलराइट. एसआई में केजी मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो अगर हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन एसआई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट्स, तो वो हम कैसे करेंगे? हमने एक तरफ लिख लिया 1 केजी मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू डैश, विल हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन, सो डैश ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 1 केजी में कितने ग्राम है? 1000 ग्राम्स. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर. 1 सेकंड में कितना सेकंड? 1 सेकंड. ऑलराइट. सो इसको अगर हमने कन्वर्ट किया 1 केजी मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू, अब जीरोस गिनो, 1 2 3 4 5, सो 10^5 ग्राम सेंटीमीटर्स पर सेकंड. तो ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम्स. ऑलराइट. और ये हमारे पास आ गया उसका कन्वर्जन फैक्टर. कन्वर्जन फैक्टर अगर हमें एसआई दिया है, सीजीएस में कैसे जाना है, सीजीएस दिया एसआई में कैसे जाना है, तो दैट विल बी बाय दिस मेथड. कि हमें बस ये पता है कि 1 केजी मीटर पर सेकंड में इतने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इतने में कितने होंगे. ऑलराइट. यूनिटरी मेथड, दैट इज अ सिंपल थिंग. ऑलराइट. ठीक है. सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कि मोमेंटम क्या है, उसको क्यों हमने मास इनटू वेलोसिटी लिखा, उसके एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट्स, कन्वर्जन फैक्टर क्या है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन अभी कर ली. अब नाउ वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो अब हम बहुत ही ध्यान से न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसकी हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं. So, second law of motion states that force is directly proportional, it is directly proportional to rate of change of momentum. जो भी force है, जो भी हम force लगा रहे हैं एक object पर, that will be directly proportional to the rate of change of momentum. वो directly proportional होगी rate of change of momentum. Alright? Force is directly proportional to rate of change of momentum. ये तो है इसकी state. ये तो आ गई हमारे पास इसकी state. अब क्योंकि ये हमें किसी ना किसी क्वांटिटी के बारे में बताएगी, देखो इसने दो क्वांटिटीज के बीच में तो रिलेशनशिप दे भी दिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अभी तक हमने सिर्फ मोमेंटम पढ़ा है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम. अब बहुत ध्यान से समझना, ये है हमारे पास एम वी. मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा दैट दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम क्या है? दिस इज मास इनटू वेलोसिटी. अब सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, वो मूव कर रहा विद इनिशियल वेलोसिटी u, वो मूव कर रहा विद इनिशियल वेलोसिटी u. मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से उसकी स्पीड u से इंक्रीज होकर कहां तक चली गई? v तक. तो ये मास m, अब ये u की बजाय किस पे मूव करने लग गया? v पे, इन सच अ वे दैट मैंने फोर्स लगाई और उसकी स्पीड बढ़ा दी. सपोज मेरे पास एक मास m है, वो u वेलोसिटी से चल रहा, मैंने फोर्स लगाई एकदम से, तो उसने अपनी स्पीड फास्ट कर ली, तो उसने अपनी स्पीड क्या कर ली? v.
सो वही मास जो पहले यू से मूव कर रहा था अब कहां से मूव कर रहा है, वी से. दिस थिंग विल रिजल्ट इन चेंज इन मोमेंटम. ये इसका इनिशियल मोमेंटम था पहले जब मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की थी तब मोमेंटम. मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, सो एम इनटू यू. ये इसका आ गया इनिशियल मोमेंटम. अब फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल जब मैंने फोर्स लगा दी फाइनल मोमेंटम क्या है, अब वेलोसिटी वी, मास वही एम, एम इनटू वी. सो पी आई और ये पी आई, व्हाट इज चेंज, चेंज कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हुआ भाई एम वी माइनस एम यू. पी एफ माइनस पी आई, चेंज ऐसे ही निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल क्या है एम वी माइनस इनिशियल क्या है एम यू. सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम इज रिटन एज डेल्टा पी. डेल्टा सिंबलाइजेस द वर्ड चेंज. जब भी हम किसी भी चीज का चेंज कहेंगे फिजिक्स में, इसका मतलब है हमें ये वाला सिंबल उसके आगे लगाना पड़ेगा विच इज डेल्टा. ऑलराइट, दिस सिंबल इज डेल्टा. सो दिस सिंबल इज डेल्टा. ठीक है, डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम विच इज पी एफ माइनस पी आई और एम वी माइनस एम. अब इसी से स्टेटमेंट देखो, ये जो हमने फोर्स अप्लाई उसकी वजह से चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, रेट का क्या मतलब है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट फोर्स लगाने से इसका मोमेंटम बदल चुका है, फोर्स लगाने से इसका मोमेंटम बदल चुका है एंड दिस इज व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम. चल अब जो इसने स्टेटमेंट हमें दी है न्यूटन ने, अब इस स्टेटमेंट को अभी हम एक फॉर्मूला के रूप में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो बहुत ध्यान से सुनने वाला लेक्चर है. अभी देखो, फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अभी चेंज ऑफ मोमेंटम तो हमने अभी पढ़ा, चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट का क्या मतलब है, रेट का मतलब वही चीज जो कि चेंज हो रही है उसका रेट. मींस विल हैव टू डिवाइड इट विद टाइम, वी हैव टू डिवाइड इट विद टाइम और लेट अस से डेल्टा टी. ऑलराइट, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट का मतलब ये चीज जिसका चेंज हो रहा है रेट, वो चीज ऊपर, और रेट का मतलब है कि टाइम नीचे आएगा. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. किसका रेट चेंज हो रहा है, मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ऑलराइट, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट का मतलब टाइम, किसका रेट, मोमेंटम का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अच्छा ठीक, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल कंसीडर की कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मास एम का, इनिशियल वेलोसिटी यू से जा रहा, हमने फोर्स अप्लाई की, उसने अपनी वेलोसिटी यू से वी में बदली और हमने चेंज फाइंड आउट किया एम वी माइनस एम यू. ये चीज हर बारी हर केस में पॉसिबल नहीं है. दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल इन ईच एंड एवरी केस. कभी कभी फोर्स लगाने से बॉडी का मास भी बदल सकता है, कभी कभी बॉडी का मास भी बदल सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमेशा जरूरी नहीं कि वेलोसिटी ही बदले, हो सकता है वेलोसिटी के बदलने के साथ साथ उस बॉडी का मास भी बदल जाए, उस बॉडी का मास भी बदल जाए. ऑलराइट, ये चीज दिमाग में रखना, अभी उसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे. ऑलराइट, हमने जो एग्जांपल की वो सिर्फ वेलोसिटी को देख के की, क्योंकि मास वाला थोड़ा टिपिकल हो जाता है, सो हमने समझा सिर्फ वेलोसिटी की एग्जांपल लेके. लेकिन चेंज कुछ भी हो सकता है फोर्स लगाने से, वेलोसिटी बढ़ी और उसके साथ हो सकता है किसी बॉडी का मास भी चेंज हो जाए. ऑलराइट, अभी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब डेल्टा हमने एज इट इज रख दिया, मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी. ऑलराइट, मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इट इज मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. लिखना है डेल्टा टी लिख लो, अदरवाइज सिंपल टी लिखना है सिंपल टी लिख लो, बट ऊपर हमेशा डेल्टा होगा, नीचे विल बी चेंज इन टाइम और द टाइम ड्यूरेशन इन विच दैट फोर्स इज अप्लाइड. अच्छा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम. मोमेंटम का हमने फॉर्मूला लिख लिया एज एम इनटू वी. अब नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब इस डेल्टा को इस ब्रैकेट के अंदर कैसे लेके जाते हैं, उसके दो मेथड्स हैं. हाउ डू वी टेक दिस डेल्टा इनसाइड दिस ब्रैकेट, कि डेल्टा मल्टीप्लाई कैसे होगा अंदर ब्रैकेट. ध्यान से सुनना उस चीज को.
ये मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। देखो पहले ये दो चीजें हैं हमारे पास, m है और v है। पहले केस में m बाहर आ जाएगा और ये डेल्टा v के साथ लग जाएगा। m बाहर आ गया और डेल्टा किसके साथ लग गया, v के साथ। देखो डेल्टा मैंने अभी बात की, मास भी चेंज हो सकता है, मतलब डेल्टा m भी हो सकता है, डेल्टा v भी हो सकता है, तो हमें दोनों को इंपॉर्टेंस देनी है। सो पहले मास बाहर आ गया और डेल्टा किसके साथ लग गया, v के साथ। प्लस दूसरे केस में क्या होगा, v बाहर आ जाएगा और डेल्टा किसके साथ लग जाएगा, मास के साथ। तो इस तरीके से डेल्टा मल्टीप्लाई होता है एक ब्रैकेट में, पहले मास बाहर डेल्टा v के साथ प्लस v बाहर डेल्टा मास के साथ डिवाइडेड बाय टाइम t, डिवाइडेड बाय टाइम t। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मास है, मास कभी नहीं बदलता अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन कहता है मास हमेशा कांस्टेंट है। जो मैं मास वेरिएबल की बात कर रहा हूं, दैट इज दी थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन के अकॉर्डिंगली मास बदलता है, न्यूटन के अकॉर्डिंग मास नहीं बदलता। तो यानी कि अगर अगर मास नहीं बदलता, सो व्हाट इज चेंज इन मास, चेंज इन मास क्या होगा। देखो हमारा लॉ क्या है, न्यूटन, अभी हम न्यूटन का लॉ पढ़ रहे, तो हम न्यूटन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मास हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है न्यूटन के लिए। तो ये हमारा कौन सा लॉ है, न्यूटन का लॉ, तो हम न्यूटन को ही सच मान के चलेंगे। तो अगर मास कॉन्स्टेंट है तो मास का चेंज, चेंज इन मास क्या होगा। अगर पहले भी मास 10 है, बाद में भी मास 10 है, तो मास में चेंज क्या हुआ, कुछ भी नहीं। मास में चेंज क्या हुआ, जीरो। इसीलिए चेंज इन मास डेल्टा एम क्या आ गया, जीरो। डेल्टा एम इज जीरो। इस इक्वेशन में कहीं आपको डेल्टा एम दिख रहा, इस इक्वेशन में कहीं आपको डेल्टा एम दिख रहा, ये पढ़ा, ये पढ़ा भी डेल्टा एम। तो इस इक्वेशन को लिखो एम डेल्टा वी प्लस वी इंटू जीरो डिवाइडेड बाय टी। अब डेल्टा एम क्या है, जीरो, हमने अभी देखा, तो हमने मान लिख दिया वी इंटू जीरो, वी इंटू जीरो इज जीरो। So this is like this. So this is m delta v by t. m delta v by t. चलिए अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पिछला चैप्टर। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय एक्सेलरेशन, मींस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। इसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया, बिकॉज A equals to delta V by T, क्योंकि acceleration क्या है, rate of change of velocity, हमने पिछले chapter में देखा, तो इस पूरी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, acceleration, ठीक है। अगले step में हमने ये proportionality का sign हटा के लिख दिया equals to m into a, F equals to m into a। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और इक्वल टू में कन्वर्ट किया, तब रेगुलरली वेज में क्या आता है, देखो ध्यान से, एफ इक्वल्स टू, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है के इनटू एम। इस के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें मिलके आती है, इस के की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस केस में के की वैल्यू क्या है, 1। इस केस में k की वैल्यू क्या है, 1। सो f इक्वल्स टू m में हम सीधा ही लिख सकते हैं f इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो f क्या है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि ये हमारे पास इकलौता ऐसा फॉर्मूला है पूरी फिजिक्स में कि जो फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है। f इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पूरी फिजिक्स में, भले ही आप कौन से मर्जी लेवल पे चले जाओ, अगर आप बेस नहीं छोड़ोगे कि ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, तो फिजिक्स में आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से है जो आगे का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। बेस, बेस इज ऑलवेज द थिंग। अगर आपकी फाउंडेशन बहुत ही मजबूत है, तो जितनी मर्जी बिल्डिंग आप उसके ऊपर खड़ी कर लो, वो मजाल है किसी भी अर्थक्वेक के साथ वो हिल जाए। फाउंडेशन जितनी मजबूत हो, बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग, स्ट्रेंथ वाली बनती है। So, यही आपका टाइम है 9th 10th का, जब आप अपनी फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, और ये फॉर्मूला फिजिक्स की फाउंडेशन है, F equals to ma। बहुत सारे फॉर्मूलास इसी फॉर्मूला से आगे डराइव होंगे। सो F equals to ma, F equals to mass into acceleration आया कहां से, सेकेंड लॉ से। वो सेकेंड लॉ क्या था,
कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब फटाफट से इसको रिकॉल कर रहे, ये स्टेटमेंट है, उसके बाद P की जगह पे हमने mv पुट कर दिया, डेल्टा की प्रॉपर्टी है कि पहले वो v के साथ जाएगा फिर m के साथ, बीच में प्लस का साइन आ गया। अब ये डेल्टा m जीरो, क्योंकि न्यूटन कह रहा है कि मास चेंज नहीं होता, सो चेंज इन मास इज जीरो। यहां पुट किया m डेल्टा v बाय t, डेल्टा v बाय t क्या है, एक्सेलरेशन। हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, f इक्वल्स टू m। चल ठीक है, अगर अगर बाय चांस हम आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, अगर हम आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो मास किस तरीके से वेरी करता है, उसका एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है और कंडीशन भी याद रखनी है। देखो भाई, इफ इफ वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, This is speed of light. देखो भाई, हमारा जो normal case है, suppose हम move किए, हम mass है, हमारा कोई mass है, हम किसी भी velocity से move किए, पर हम कभी भी speed of light के जितनी velocity acquire नहीं कर सकते। Speed of light की velocity is very very high. It is 3×10⁸ meter per second. इतनी ज़्यादा speed हमारी body ले ही नहीं सकती, इसलिए ये जो फॉर्मूला है v इज वेरी वेरी लेस देन c, एंड इस केस में मास नेवर चेंजेस। ऑलराइट, और जो न्यूटन ने बातें करी थी वो सिर्फ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए थे, जैसे एक बॉडी हो गई, स्टोन हो गया, बस हो गई, उसके लिए उसने ये लॉज है जो वो क्रिएट किए थे। यानी कि मास कभी नहीं बदलता, क्यों, क्योंकि जो हमारे जैसी बॉडीज होती हैं वो इतनी हाई स्पीड एक्वायर ही नहीं कर सकती, इसीलिए अगर वेलोसिटी बहुत कम होगी इस स्पीड से, जो कि होती ही है हर केस में, तो मास कभी भी चेंज नहीं करेगा। यानी कि हमने जो अभी फॉर्मूला डराइव किया है, दैट फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय टी, डेल्टा को हम अंदर ले गए, हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या था, दिस वी डेल्टा एम बाय टी, इस केस में डेल्टा एम जीरो होके हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये। Alright, और इसको हम acceleration भी लिख सकते हैं, f equals to m। अगर ये वाला केस है तो velocity is very very less than c, और न्यूटन के formulas actual objects like a body, man, bus, car उसको related था, यानी कि उसने कभी electrons, protons उसकी बात नहीं की, और हम जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी वेलोसिटी कभी भी स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच नहीं सकती, हमेशा बहुत कम होगी स्पीड ऑफ लाइट से, और ये वाला फॉर्मूला हमारा जो नॉर्मल बॉडीज है उस पर ये वाला फॉर्मूला है जो वो लग सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब इफ वेलोसिटी अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच रही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक एटम में बहुत तेजी से रोटेट करता है, उसकी रोटेशन की स्पीड ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो इन दैट केस मास बदलेगा। उस केस में मास बदलेगा किस फॉर्मूला से बदलता है, m इक्वल्स टू m नॉट बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास, कि जब बॉडी रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही, तब उसका मास कितना है, ये वेलोसिटी है जो स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच रही है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, और ये हमारे पास मास उस स्पीड पर उस ऑब्जेक्ट का कितना है, तो इस फॉर्मूला से मास भी बदल रहा है विद द चेंज इन स्पीड, स्पीड तो इंक्रीज हो ही रही है और मास भी बदल रहा है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइंस्टाइन। ये कॉन्सेप्ट था न्यूटन का, और क्योंकि लॉ न्यूटन का है तो हमने इसको पढ़ा एज एफ इक्वल्स टू एम। अच्छा, अगर आइंस्टाइन का होता, अगर आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, तो यानी वेलोसिटी भी बदल रही और मास भी बदल रहा, यानी कि आइंस्टाइन वाले केस में हम इसको जीरो नहीं लिख सकते, मास भी तो बदल रहा, हम इसको जीरो नहीं लिख सकते, यानी कि ये वाला लॉ यहां तक ही वैलिड रहेगा फॉर आइंस्टाइन। ऑलराइट, इसके बाद हम यहां पे डेल्टा एम को जीरो नहीं पुट कर सकते और इस फॉर्मूला तक नहीं पहुंच सकेंगे। ऑलराइट, ये बात आपको याद रखनी है कि यहां तक
यहां तक दोनों चीजें सही है, आइंस्टाइन भी न्यूटन भी। जब भी न्यूटन यहां पर जीरो पुट करता है, आइंस्टाइन उस बात को नहीं मानता, क्योंकि आइंस्टाइन इन पार्टिकल्स की बात करता है, इलेक्ट्रॉन्स, बट न्यूटन हमेशा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करता है, जैसे स्टोन हो गया, बस का, ऑलराइट, उसके बारे में बात करता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वेलोसिटी बहुत कम तो मास जीरो, चेंज इन मास जीरो। अगर वेलोसिटी बहुत तेज तो चेंज इन मास हो सकता है, और वो किस तरीके से होता है, इस फॉर्मूला के साथ। ऑलराइट, so this was a little concepts which is hidden in between this, but the actual thing jo hame padhna hai, that is f equals to ma, jo cheez hame padhni hai, that is basically f equals to mass into acceleration, wo cheez hai hamare paas, f equals to mass into acceleration, aur isko fir se hum basic form mein padhe to f is rate of change of momentum, delta p by Alright, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है, और ये उसका रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो हमने लिखा। Alright, अब इसी के ऊपर बेस्ड हमारे कुछ रीजंस हो सकते हैं और कुछ चीजों के आंसर्स हमें मिल सकते हैं। पहली चीज तो ये कि जब भी आपने देखा होगा एक क्रिकेट के मैच में, जो कोई फील्डर है वो बॉल को कैच करता है, तो वो सीधा बॉल को अपने हाथ में ऐसे स्टॉप नहीं करता, वो सीधा अपने बॉल को ऐसे कैच नहीं करता, जब वो कैच करता है वो धीरे धीरे कैच करता है, मींस इस तरीके से वो अपने हैंड को विदड्रॉ करता है इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है इस डायरेक्शन में वो कैच विदड्रॉ करता है, और बहुत दूर जाके कैच को अपने हाथ से रोकता है। पकड़ तो यहां ले रहा है बट रोकता उसको यहां पर जाके है, क्यों ऐसा क्यों? अब देखो बहुत ध्यान से, वो ऐसा जब करता है तो वो अपना क्या इंक्रीज कर लेता है, टाइम टू स्टॉप द बॉल, टाइम टू स्टॉप द बॉल वो इंक्रीज कर लेता है। यहां पर बहुत जल्दी रुक जाती तो उसने टाइम बढ़ा दिया, उसकी स्पीड को घटाने के लिए उसने टाइम बढ़ा दिया, टाइम बढ़ाने से फोर्स कम हो गई, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये चीज बढ़ी तो फोर्स कम हो गई। भाई देखो ये जो रिलेशन है वो किस तरीके से वर्क करता है, जो चीज न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर में है वो जो बढ़ेगी तो इक्वली बढ़ेंगी, यानी ये अगर मोमेंटम का चेंज बढ़ रहा तो इसका मतलब फोर्स भी बढ़ रही। ऑलराइट, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की यहां पे न्यूमिनेटर यहां पे डिनोमिनेटर, तो उनका फर्क ऑपोजिट पड़ता है, यानी कि अगर टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम। अभी फील्डर ने क्या किया, उस बॉल को कैच करने का टाइम बढ़ा दिया और उससे फोर्स क्या हो गई, डिक्रीज, फोर्स क्या हो गई, डिक्रीज, यानी कि उसके हाथ पर चोट के चांसेस कम हो जाएंगे, उसके हाथ पर चोट के चांसेस कम क्योंकि फोर्स कम हो गई। अब यही अगर वो यहीं पे रोक लेता तो टाइम बहुत कम, फोर्स बहुत ज्यादा, उसके हाथ पे बहुत जोर से फोर्स ने है जो वो अटैक करना था, और ही मे गेट इंजर्ड। ऑलराइट, चलिए अब इसका ऑपोजिट केस देखते हैं सेम फार्मूला के साथ ही। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो ये कराटे किड्स होते हैं या जो कराटे में माहिर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत दूर से हाथ लेके आके एकदम झटके से किसी भी चीज को ब्रेक कर देते हैं एकदम से, वो ऐसे नहीं करते कि आए और बहुत टाइम लगाया ना, झटके से। ये जो झटका वो देते हैं उससे क्या है, टाइम डिक्रीज हो गया, टाइम डिक्रीज होने से फोर्स बढ़ गई। अब जो फोर्स तो बहुत ज्यादा टाइम लेने से कम हो जा रही, अब हमने टाइम कम कर दिया उसके स्ट्राइक का, फोर्स हमारी बढ़ गई और जिसकी वजह से वो चीज जो ब्रिक्स वगैरह है वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास कुछ रीजंस। बहुत सारे हैं कि जो लॉन्ग जंप लेते हैं वो उसके बाद सैंड और फोम पे क्यों लैंड करते हैं, एक सीमेंटेड सर्फेस पे क्यों नहीं, सारों का जो आंसर है वो यही है कि टाइम पीरियड किसी में बढ़ाना है किसी में कम करना है। So, वो चीज अब आप अपनी बुक से इजीली समझ सकते हैं, जो बेसिक है वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया कि हमें ये रीजंस वगैरह किस तरीके से करने हैं। ऑलराइट, यहां पर एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लें, छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लें। एफ इक्वल्स टू एम ए हमने पढ़ा, एफ इक्वल्स टू एम, फोर्स के यूनिट्स डिस्कस कर लें, मास इज रिप्रेजेंटेड इन केजी, एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन पिछले चैप्टर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स के यूनिट आ गए हमारे पास केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एंड केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इकट्ठा
हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन। आफ्टर ऑल ये जो फोर्स है वो न्यूटन के फॉर्मूला से हमें पता लगी। सो एफ के जो एसआई यूनिट्स हैं वो क्या है, न्यूटन। सो एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। चलिए इसके सीजीएस भी पढ़ लेते हैं अभी हम। सो सीजीएस यूनिट्स, अच्छा केजी की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और नीचे सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए ये आ गए सीजीएस के यूनिट्स। अब इसको भी इकट्ठे को कुछ ना कुछ बोलते होंगे, बिल्कुल बोलते हैं, इनको बोलते हैं डन। ऑलराइट, तो एसआई यूनिट्स जो है वो तो है न्यूटन, सीजीएस यूनिट्स हैं डन। CGS यूनिट इज डाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों में जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वो अब हम डिराइव कर लें, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे जब हमने ये चीज डिराइव कर ली, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। चलिए अभी हमने डिस्कस किया F equals to MA, SI क्या है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS क्या है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू डैश ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें ये डैश फिलअप करना है, हमें अपना कन्वर्जन फैक्टर मिल जाएगा। 1 kg में कितने ग्राम, 1000, 1 meter में कितने सेंटीमीटर, 100, सेकेंड तो सेम ही है तो उसमें कोई कन्वर्जन नहीं है। सो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1, 2, 3, 4, 5, 10^5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने देखा इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूटन, इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डाइन। सो सीधा सीधा लिख दो 1 newton इज 10^5 डाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। ये हमारे पास है कन्वर्जन फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, तो ये तो इजी है, जिस तरीके से मोमेंटम का आंसर कन्वर्जन फैक्टर तो वही है, बस यूनिट्स का फर्क है, 1 newton इज 10^5 डाइन्स, न्यूटन एसआई, डाइन इज इन सीजीएस। ऑलराइट, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द यू वुड से द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब अगली बारी जो हम अगली वीडियो पोस्ट करेंगे उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम सेकेंड लॉ को यूज करके फर्स्ट लॉ तक कैसे पहुंच सकते हैं, हाउ कैन वी यूज दिस सेकेंड लॉ टू ऑब्टेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑलराइट, तो वो हम सब कुछ है जो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑफ दिस एंड दैट कॉन्सेप्ट ऑन हाउ वी कैन रीच अप टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टडिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।